हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों स्वागत है। हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ना स्टार्ट किया था, उसका बेसिक सेक्शन कवर करा था, उससे थोड़ा उसका एडवांस सेक्शन भी कवर किया था, और एक तरह के क्वेश्चंस को, अगर मैं रिकैप की बात करूं तो मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम में दोनों धारा की चाल और नाव की चाल सेम डायरेक्शन में होती है, जो कि ऐड हो जाती है, इसी को डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों डायरेक्शंस अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो एक्स माइनस वाई इज द अप स्ट्रीम। जो स्पीड ऑफ बोट होगा वो ऑलवेज स्पीड ऑफ करेंट से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज़्यादा होगा, और डाउन स्ट्रीम इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन अप स्ट्रीम। अगर हमें बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो डायरेक्टली अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का हाफ कर सकते हैं। अगर हमको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउन माइनस यू बाई टू भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन करने का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिलीवर ये किया था कि जो डिस्टेंस अगर अप स्ट्रीम में लग रही जाने में, वो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कुल टाइम के बराबर करें, टोटल टाइम। जैसे इसका सोल्यूशन क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। डाउन स्ट्रीम में ये चाल होगी, ये डाउन स्ट्रीम का समय लिखा हुआ है। अगर अप स्ट्रीम का समय लिखूंगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो गया हमारा केस में, ये जो लिखा हुआ है वो डाउन स्ट्रीम में लिखा हुआ है, और ये दोस्तों लिखा हुआ है, ये देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ। पहली डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की दे रखी है तो ये डाउन स्ट्रीम का, फिर हमको अप स्ट्रीम दे रखा है तो ये अप स्ट्रीम का फिर से हो गया, और टोटल टाइम हमको 11 दे रखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा 72 बटे डाउन स्ट्रीम है, 60 बटे अप स्ट्रीम है, और ये हमको 16 दे। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, ये बेसिक से सॉल्व करवाया था। इसके बाद इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर किया था मैंने कि 36, 48 और 11, 36, 48, 11 दोस्तों, और 72, 60, 16, 72, 60, 16। मैंने कहा था कि ये जो दे रखा था मुझे डाउन स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में टोटल टाइम था, इसको एक ऐसे नंबर से कट, जैसे 12 से कट कर रहा हूं मैं, 12 तिहाई 36, 12 छंग 72, 12 से कट किया, इसको कट किया, किसी भी नंबर से कट किए, 8, 8 से कटेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 से काटते, 6 अट्ठे 48 और 6 से 10, तो 3 और 8 11 होना चाहिए, 6 और 10 60 होना चाहिए। इसको 6 से कट किया, डाउन को 12 से कट कराए और अप को 6 से कट कराए, नाव की चाल क्या होगी, 12 6 18 बटे 2 9, ये डायरेक्ट सिखाया गया था। एक और क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं। एक नाव है जो कि 68 किलोमीटर चलती है डाउन स्ट्रीम में, और 45 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम में, और टोटल टाइम लेती है 9 घंटा। सेम बोट ट्रेवल 51 किलोमीटर इन द नाउ डाउन स्ट्रीम, 72 किलोमीटर इन द अप स्ट्रीम, एंड टोटल टेकन टाइम, ये डाउन अप, ये टोटल टाइम 11। इसको कट करते हैं तो एक ही पहाड़ा है, कट करने का 17, 17 के अलावा नहीं कर सकता, 17 चौको 68, 17 थे 51, इन्हें डाउन स्ट्रीम को हमने 17 से कट किया, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहां पर 4 आ चुका है, टोटल में 9 आना है, यानी अब वो नंबर चाहिए जो कट कर 5 दे, 9 देगा 5, 9 पना 45, तभी 4 प्लस 5 9 होगा, 9 से काटा, अप स्ट्रीम को 9 से काट रहा हूं, तो 9 अट्ठी 72, देखो 17 और 8, जब मैंने इसको 17 से कट करा था दोस्तों, तो ये 3 आएगा, 17 तेरह क्या हो, तो 3 और 8 11 हो गया, यानी ये हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है भाई, अप स्ट्रीम 9 हो गया, ठीक है। तो अब देखो भाई हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट एक्स 17 प्लस 9 26 बटे तो 13, एक्स की वैल्यू 13 आ गई, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी दोस्तों, ये डायरेक्ट सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसको बेसिक बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 68 बटे एक्स प्लस वाई प्लस का 45 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और 51 बटे, कलर चेंज कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस का 72 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यू निकलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आई वन मोर क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए, 44 किलोमीटर चलता है दोस्तों वो डाउन स्ट्रीम में, और 30 ये डिस्टेंस चलता है, टोटल टाइम लेता है 10, सेम बोट ट्रेवल 55 यहाँ चलती है, 40 यहाँ पर चलती है, एंड टोटल टाइम 13 लिया जाता है, ये दोस्तों डाउन है, ये अप है, ये टोटल टाइम है,
अगर दोस्तों मैं इसको कट करूं, यहाँ पे डाउन और अप लिखूंगा, ये 11 से कट रहा है, 11 चौके 44, 11 पचे 55। अगर यहाँ पे 4 आ चुका है तो मुझे यहाँ पर 6 चाहिए, 6 6 चाहिए, तो 5 से काटूंगा। इसको मैंने काटा था 11 से, 5 से, 5 से काटूंगा तो 8 आएगा, 8 5 13, देखो बैलेंस हो गया, 4 4 6 10, तो 11 प्लस 5, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी, 11 प्लस 5 बटे 16 बटे 2 8, यानी 9 की चाल 8 आ गई, तो धारा की चाल 3 हो गई, 8 में 3 5 8 5 8 3 11। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब समझ में, सबको बताइए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 और 3, 8 और 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, 18 और 12, ये आप लोग सॉल्व करिए बैठ के आराम से, देखिए। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अ बोट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इन द डाउन स्ट्रीम एंड द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन 3 आवर्स। सेम बोट ट्रेवल इन द 24 किलोमीटर इन द डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर इन द अप स्ट्रीम एंड 6.5 घंटे, ये था टोटल टाइम। ये डाउन है, ये अप है, ये टोटल टाइम है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, 6.5 की वैल्यू कैसे लाया जाए। वैसे हम लोग 6.5 की वैल्यू भी ला सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है हमारे लिए कि 6.5 की वैल्यू हम लोग कैसे लाएं। अगर 6.5 की वैल्यू हमारे लिए दिक्कत कर रही है तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 2 गुने से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे क्वेश्चन को 2 से। अगर पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो पूरा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 18 और 12, 18 12 यानी कि 36, और ये 24, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 24 दूनी 48 प्लस 72, ये 72 हो गया। फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो ये 3 दूनी 6, 6 हो गया और 13 हो गया, 6.5 का 13। अभी ये क्वेश्चन ये हो गया, देखो हर जगह 18 दूनी 36, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 6.5 से 13 और 3 से 6, हर जगह मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 12 3 36, 12 चौक 48, अगर 12 से कट किया इसको, 3 आ चुका, 3 और आना, तो 8 से कट, 8 3 24, 8 9 72, तो अप स्ट्रीम को 9 से, डाउन प्लस अप करेंगे तो 12 और 9 21 बटे 2, 10.5 इसका आंसर रहेगा, स्पीड ऑफ बोट। वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आ जाएगी, 1.5, वाई की वैल्यू 1.5 आएगी। ये है क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन दोस्तों, ये क्या है, क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन, ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन 12 9 21। लेकिन अगर हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखें, कोई मिस्टेक ना हुई हो तो चेक कर लें, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 9 8 से कट किया गया था, 8 3 24 था, तो 12 और 8 कितना होता, 20 बटे 2, आंसर 10 आएगा, 12 8 20 बटे 2 10, और 10 और 2 आंसर है, 10 और 2 आंसर आएगा। ये हो गया क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो गया, अगर ये 6.5 से किया। अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना चाहते हैं जैसे था वो क्वेश्चन, 18 12 3 24 36 और 6.5, दिखते बना के, अगर मैं इसको सॉल्व करके कट करूं, ये कितना था, ये अगर इसको कट करूं मैं, 6 6 3 18, 6 चौको 24। अब इसको मैं ऐसे टेबल से कट करना है कि ये 0 आ जाए, तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि 18 और 12 का देर का कितने से भी कट करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये वाला टेबल ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई बात नहीं, अगर ये 6 से नहीं ले रहा है, 18 12 3 24 36 6.5, अगर ये 6 से नहीं ले रहा है तो ये लेना चाहिए किससे, अठारह 36। अगर हमको इसी से क्वेश्चन बनाना हो तो भी बना सकते हैं, 6 से लूंगा, 6 3 18, लेकिन टोटल टाइम 3 आ रहा है, यानी टोटल टाइम 3 आ रहा है, तो इसको 12 से कट करते हैं। अगर 12 से कट करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। अगर इसको 4.5 बनाना है, 1.5 1.5 बनाने का मतलब है इसको 8 से कनेक्ट करना,
आठ से कनेक्ट करेंगे तो ये 15, 15, 120, 8, 8 चौको 32 और 2, 8 5 40 हो गया सोल्यूशन। देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, इसको इस टेबल को कट करा मैंने किससे, डाउन स्ट्रीम को कट करा है 12 से कनेक्ट करा इसको, 12 दुनी 24 और 12 से 1.5 बार जाएगा, 12 और 6, 18। और अप स्ट्रीम को जो कट करा है मैंने, वो मैंने कट करा है 8 से काटा 1.5 बार, 15 ठीक 120 होती है 8 से, और 8 चौके 32 8.5 बार, देखो 2 साढ़े 4 6.5 हो रहा, 1.5 1.5 3 हो रहा, 12 20 बटे 2 10 और 2। ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, अगर आप इसको बेसिक से बताना चाहते हैं वैसे ही बनेगा, लेकिन अगर हम पूरे क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा कूड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ सब कुछ सही चल रहा है दोस्तों। यस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अगर हमें ये क्वेश्चन और देखना हो, ये 42 की स्पीड से जा रहा है, ये 42 की डिस्टेंस कवर करनी है, 21 की डिस्टेंस कवर करनी है, ये हमारा इसमें है और ये इसमें इसमें है, ठीक है, और ये टोटल टाइम जो है 13 घंटे है। सेम बोट ट्रेवल 14 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 6 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड इज सेम एज प्रीवियस इन अप स्ट्रीम, देन टाइम टेकन इज सेम एज प्रीवियस इन 14 और 6, यानी कि टाइम जो है दोनों जगह सेम चल रहा है। अब दोस्तों दोनों जगह टाइम सेम है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर अस, यानी टाइम जो है वो बिल्कुल सेम है। तो सवाल क्या कह रहा है, 6 किलो, देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कैसे, बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। 42 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, 42 बटे 21 में हुई है डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, 21 की डिस्टेंस कवर की गई अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई, टोटल टाइम 13 हो गई, फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। अगर सेकंड एक्सप्रेशन को सेम बोट ट्रेवल 14 इन द डाउन स्ट्रीम एंड द टेकन सेम टाइम, टाइम दोनों जगह सेम है, अगर टाइम दोनों जगह सेम है तो 14 यानी 6 का एक्स माइनस वाई है, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू एक्स और वाई की निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसको शॉर्ट से बनाना है तो ये 42 है, ये 21 है और ये 13 है, 42, 21 और 13, 14 किलोमीटर और 6 किलोमीटर का जो टाइम दे रखा है वो हमको सेम दे रखा है, 14 और 6 का जो टाइम लगेगा वो बिल्कुल सेम आएगा। ये कट कर दे 14 बन जाए, नहीं इसको काटते 7 से, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, क्योंकि 13 लाना है 13, अब हमें यहाँ पे 6 आगे 7 और लाना, तो 3 दूनी 6, 3 सात 21, डाउन स्ट्रीम को हमने कट किया 7 से, अप स्ट्रीम को कट किया 3 से। देखिए भाई ये देखो 2 और 2 बराबर टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 6 प्लस 7 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस। तो बोट की स्पीड की तो 7 प्लस 3 बटे 2 5, और इसकी स्पीड आ जाएगी 2, 5 और 2 सवाल के आंसर आएंगे, यही 5 और 2 मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पर 5 और 2 रखिए, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 5 में से 2 गया 3, 3 दूनी 6, दोनों बराबर आ गए। यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 6, 5 माइनस 2 3, 7 21, 6 प्लस 7 13 आ गया, वेरीफाइड हो गया, यानी जो हमने सॉल्व किया वो एकदम परफेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।